नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भारत में हम लोग रहते हैं और भारत में हर बंधन का कुछ अलग ही मतलब होता है। जैसे कि अगर आप माँ बेटे के साथ हैं तो माँ का अलग एक ओहदा होता है, बेटे का अलग होता है, ये रिश्ता माँ बेटे का कहलाता है। ऐसे ही भारत में कई सारे रिश्ते होते हैं जिसका एक अलग अहमियत होता है, अलग नाम होता है, अलग पहचान होता है। लेकिन आज जिस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते में सर्वसार कर देने वाली बात सामने आई है। जी हाँ, इस रिश्ते को लोग माँ बेटे के रिश्ते मानते हैं। जी हम बात कर रहे हैं देवर भाभी का रिश्ता। ये रिश्ता माँ बेटे का ही होता है। जिस भारतीय समाज में हम लोग रहते हैं ये रिश्ता मजाकिया भी होता है और कहते हैं लोग कि भाभी माँ समान होती है, देवर बेटा समान होता है। लेकिन जो वाक्या सामने आया है, इस वाक्या को जानकर हर कोई हैरान है, परेशान है। आखिर क्या हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। भागलपुर ज़िले में देवर भाभी की शादी का मामला प्रकाश में आया है। वैसे तो बहुत ही देवर भाभी के बीच का रिश्ता माँ बेटे की तरह होता है, लेकिन ज़िले के सोहला प्रखंड में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल तीन बच्चों की मां अपने पति को छोड़ देवर संग फरार हो गई। आपको आगे बताते चले कि मामले को लेकर पीड़ित पति को मोहम्मद कुंदरतुल्ला ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व झारखंड के गोड्डा जिला स्थित बलबदा थाना क्षेत्र की अंगूरी खातून से मुस्लिम रीति रिवाज के तहत निकाह हुआ था। महिला से उसे 3 बच्चे भी हैं जिन्हें छोड़ व देवर के साथ फरार हो गई। महिला के पति ने उसके खिलाफ सनोखर थाना में शिकायत दर्ज कराया। पति ने बताया कि शादी के बाद हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी व्यतीत हो रही थी। 3 साल पहले आम के पेड़ पर चढ़ने के दौरान उनका दोनों पैर टूट गया था, जिसके चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। पैसे के अभाव में ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पाया, किसी तरह व्हीलचेयर खरीद कर अपना काम चला रहा हूँ। उसने बताया कि अचानक देखा मेरी पत्नी को फिल्मी अंदाज में, मेरे आँख के सामने मेरा भाई फरार हो गया। दिव्यांग होने के कारण कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद महिला अपने देवर के साथ मायके में शादी करना चाह रही है। लेकिन जब वहाँ के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया, जबकि वहाँ के मौलानाओं ने भी निकाह पढ़ना उचित नहीं समझा और शादी कराने से मना कर दिया। तो ये जो भाभी है ये अपने देवर के संग ही फरार हो गई। कहते तो है देवर भाभी का जो संबंध होता है मजाकिया भी होता है और भाभी माँ समान होती है, लेकिन इनकी जो वाक्य है ये शर्मसार कर देने वाला वाक्य सामने आया। इनके पति विकलांग है। आपको बता दें इनके पति के हाल ही में आम के पेड़ से गिरने के बाद उनका पैर खराब हो गया और पैसे की कमी के कारण वो अपना ढंग से इलाज नहीं करा पाए, जिसके बाद उन्होंने जैसे तैसे व्हीलचेयर खरीदा और व्हीलचेयर पे वो बैठे अपना कामकाज जो भी होता है वो करते हैं। इसी के साथ उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है वो उनकी आँखों के सामने उनके छोटे भाई के साथ भाग गई, भाग के वो मायके चली गई। इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो मायके जाके उनके साथ निकाह करना चाहती है। और जब उनके मायके वालों को पता चला, लड़की के मायके वाले को पता चला कि लड़की अपने देवर से विवाह करना चाहती है, तो वहाँ के तमाम जो मौलाना थे वो भी निकाह पढ़ने से मना कर दिए। ये खबर प्रकाश में आई है और ये खबर खूब चर्चा में है। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देवर भाभी के इस कारनामे को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।